Assalamu alaikum students, my name is Sarfaiz. Today we will going to discuss our new tool of Adobe Photoshop. हम Adobe Photoshop का एक new tool discuss करने वाले हैं जो कि है patch tool. ठीक है, first of all open the Photoshop. Photoshop को open करें आप. Open करने के बाद आप create new पे click करें. जैसे ही आप create new के ऊपर click करेंगे आपके पास new document की window open होके आ जाएगी. मैं by default साइज ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया. आपके पास एक विंडो ओपन होके आ गया. ठीक है, अब जिस इमेज के ऊपर हम लोग पैश टूल को यूज करने वाले हैं हम उसको इंसर्ट करेंगे. फाइल पे गए, ओपन पे क्लिक किया. ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास डेस्कटॉप की फोल्डर्स ओपन होके आ जाएंगे. मैं जाऊँगा पैश टूल की तरफ, मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ. मैंने ऑलरेडी एक इमेज को डाउनलोड करके रखा है जिसके ऊपर मैं पैश टूल यूज करूंगा. ये रहा वो टूल, मैं टूल पैनल को लेके आता हूँ पहले. ये रहा पैश टूल, हम इस इमेज के ऊपर पैश टूल को यूज करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा जूम करते हैं. आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर थोड़ा सा ये एरिया जो है वो empty सा नजर आ रहा है, तो मैं patch tool की मदद से इसको सही कर सकता हूँ. कैसे सही कर सकता हूँ? सबसे पहले एक selection बनाई मैंने patch tool की मदद से, ये मैंने select कर दिया area, से select कर दिया. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे source और destination दो options आ रहे हैं. अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके इस एरिया के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करूँ तो क्योंकि डेस्टिनेशन लिखा हुआ है इसका मतलब ये यही एरिया डेस्टिनेशन में जाके पेस्ट कर देगा. देखें ये एरिया उसने क्या किया, ये एरिया उसने उठाया और यहाँ पे जाके पैची एरिया जो है वो पेस्ट कर दिया, कॉपी कर दिया. मैं एंडो कर रहा हूं. अब मैं यहाँ पे सोर्स पे क्लिक कर दूंगा. मैंने सोर्स के ऊपर क्लिक किया, अब इस एरिया को वो किसी और जगह से सोर्स उठा के पेस्ट करेगा. इसका ये मतलब है जब मैं किसी और जगह पे लेके जाऊंगा तो उसको एज अ सोर्स लेगा. जैसे ही मैंने इस एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आया, देखिए ये हमारा जो पैची एरिया है वो गायब हो गया. उसी तरह अगर मैं चाहता हूँ ये सारा जो पैची एरिया वो गायब होके एक ग्रासी सा नजर आए तो सिंपल मैं पैच बना बना के आप लेके जाता रहूँगा. जैसे मैंने एक पैच बनाया, मैं यहाँ पे लेके आ गया, फिर मैंने यहाँ पे एक पैच बनाया, मैं यहाँ पे लेके आ गया. इस तरह ये जो ग्राफ जो खाली खाली सी नजर आ रही थी ये हमारे पास फुल नजर आना शुरू हो जाएगी. जितना स्मॉल होगा उतना ज्यादा अच्छा नजर आएगा. ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये अगर मैं चाहता हूं कि ये शीप्स जो है वो कॉपी करके मल्टीपल टाइम्स आ जाएं, मैंने किया और डेस्टिनेशन पे क्लिक करूंगा कि मुझे ये एरिया डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है. मैंने ये किया, मैंने इसको डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया. इसी को अगर मैं और करना चाह रहा हूँ मैं ये भी कर सकता हूँ. मैं इसका जितना चाहे उतना मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ. देखें आप ये इस तरह से पेश करता है कि साइड्स जो है वो बुरी ना लगे. इसका ये मतलब है ये डिफ्यूज हो जाता है इसके अंदर पूरा का पूरा. अगर मैं चाहता हूँ ये एरिया जो है वो मैं मल्टीपल टाइम रिपीट करूँ तो ये आराम से रिपीट कर सकता है. और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रिलीज करा उसने इसी एरिया के हिसाब से इसको मैनेज कर दिया, तो इस वजह से अजीब सा अलग सा नज़र नहीं आ रहा. जैसे ही मैं इसको दोबारा कॉपी करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और आगे लेके आऊँगा, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा ये इस एरिया के हिसाब से इसको सेटल कर देता है. ठीक है, मैंने ये कर दिया, इसको सेट कर दिया. अब मैं चाहता हूँ कि पीछे जो शीप्स आ रही हैं ये इनका जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाए, तो मैं सिंपल इंक्रीज कर सकता हूँ इनकी क्वांटिटी. ये मैंने इनकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा सा नजर आए. ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा जूम करते हैं, मैं चाहता हूँ ये जो पैची एरिया ये रिमूव हो जाए,
तो सिंपल मैं ये सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करते ही इसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। आप देख सकते हैं ये उसके साथ डिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसका जो कलर होता है ये उसके साथ डिफ्यूज कर देता है इसको। इस वजह से ये इतना बुरा भी नहीं लगता जब ये पेस्ट होता है। ये जो पैची एरिया है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो रहा है। ये मैंने यहाँ पे लेके आया, सोर्स पे क्लिक करा, आप देख सकते हैं ये लेके तो आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिलीज करूँगा ये इसके हिसाब से इसको सेट कर देगा ताकि ये डिफ्यूज होके इतना बुरा ना लगे। अब आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये एरिया जो है वो अच्छा हो गया। मैंने ये सिलेक्ट किया, अब ये सोर्स आ रहा है तो मैं इसको डेस्टिनेशन कर दूंगा, जाके मैं इसे रिलीज करूंगा। ठीक है, जूम आउट करके देखते हैं जरा। अब जैसे ही मैंने जूम आउट किया आप देख सकते हैं कि काफी इमेज जो है वो चेंज हो गई। मैंने एक शीप को मल्टीपल टाइम जो है वो पेस्ट कर दिया। ये शीप जो है वो इसी की कॉपी है, सारी 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 शीप जो है, और ये वाली शीप जो है मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसी तरह ये वाली शीप मैंने कॉपी करके यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर दिया। तो पैच टू का काम यही है कि रिपीट करना। उसी तरह हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर दूसरा टूल डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक मतलब जूम आउट करके इसको इमेज को दिखा दूँ। ये इमेज है जो जूम आउट होके हमारे पास आ रही है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।